आर कांतियुते सीता रजनी 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 करवाक्र वृते सोनाया नावी भ्रमरा 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 भ्रमराधिपते जय जय महिषासुर मर्दिनी राम्य कपर्दिनी शैल सुते। जय माता दी और स्वागत है आप सबका विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के जनक हैं विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी। आज 16 अक्टूबर सोमवार को नवरात्रि का द्वितीय दिवस है, यानी दूसरा दिन। आज के दिन लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। सफ़ेद रंग सदैव शाश्वत शांति का प्रतीक है। यह पवित्रता और मासूमियत की सुंदरता का प्रतिनिधित्व करता है। सर्वशक्तिमान देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग स्वयं को श्वेत रंग से सजाते हैं। सफ़ेद रंग की चमक रोशनी के साथ साथ कोमलता और पूर्णता का एहसास कराने में सक्षम होती है। यह रंग आंतरिक शांति और सुरक्षा प्रदान करता है। आज के दिन ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा की जाती है। इन्हें देवी पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। ब्रह्मचारिणी माता स्वयं को सफ़ेद पोशाक में सजाती हैं। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। वे वफादारी और ज्ञान की प्रतीक हैं, साथ ही वे एक प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती की भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा थी। जब उनके माता पिता को इस बारे में पता चला तो उन्होंने देवी पार्वती को हतोत्साहित करने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी मदद के लिए कामुक गतिविधियों और आकर्षण के देवता भगवान कामदेव के पास पहुँची। इस खोज में कामदेव ने शिव पर आनंद और इच्छा का तीर चलाया। ध्यान की स्थिति में होने के कारण शिवजी क्रोधित हो गए और अपने तीसरे नेत्र को खोलकर उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। देवी पहाड़ों पर चली गई और कई वर्षों तक तपस्वी का जीवन व्यतीत किया। इसीलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। उनकी तपस्या से भगवान शिव का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ। शिव भेष बदलकर तपस्वी ब्रह्मचारिणी के पास आए और उन्होंने देवी को शिव के सभी नकारात्मक लक्षण बताकर निंदा की, लेकिन देवी ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने शिव की निंदा का विरोध किया। अतः शिव ने उन्हें स्वीकार कर लिया और उनसे विवाह कर लिया। आज के दिन मंदिरों की सजावट सफ़ेद रंग के ताज़े फूलों से की जाती है। सफ़ेद रंग की थीम के लिए सफ़ेद ट्यूलिप फूलों का चयन कर मंदिरों की शोभा बढ़ाते हैं। मंदिरों के मंडप की दीवार पर सजे हुए सफ़ेद ट्यूलिप के पुष्प बहुत आकर्षित लगते हैं। कल शरद नवरात्रि का तीसरा दिन है। कल लोग किस रंग के कपड़े पहनेंगे, किस देवी की होगी पूजा, कैसे करेंगे मंदिरों की सजावट, ये जानेंगे कल के वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन।